This is Neeraj Garg and you are watching class 10th chapter 1 real numbers exercise 1.1 question number 2. क्वेश्चन शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन ऑन कर लें सो दैट न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q+1 और 6q+3 और 6q+5 वेयर q इज सम इंटीजर। राइट, तो इसके लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम होती क्या है। यूक्लिड्स थ्योरम ये कहती है कि a इज इक्वल टू b इंटू क्यू प्लस आर वेयर r इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड लेस देन b। अब यहाँ पर a क्या है, b क्या है, q क्या है, r क्या है, ये पता होना चाहिए। a है हमारा डिविडेंड जिसको हम डिवाइड करते हैं, b है हमारा डिवाइजर जिससे हम डिवाइड करते हैं, q हो गया कोशेंट और r हो गया रिमाइंडर। और आपको पता है कि रिमाइंडर हमेशा जिससे हम डिवाइड करते हैं, मतलब जो डिविजर होता है, ठीक है, उससे हमेशा छोटा होगा, जीरो भी हो सकता है। अब जब हमें ये पता चल जाता है कि यूक्लिड्स एल्गोरिथम क्या होती है, तो अब क्वेश्चन को देखकर हम क्या लेट करेंगे, हम लेट करेंगे कि b क्या है। हमें दिया हुआ है 6q+1, 6q+3, 6q+5, राइट तो हम b को लेट कर लेते हैं कि b क्या है, 6। तो हम कुछ इस तरीके से लैंग्वेज लिखते हैं, लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड b इज इक्वल टू 6। अब जब b की वैल्यू को इसके अंदर डालेंगे तो हमारी जो a की वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, वो आ जाएगी 6q+r एंड r जो होगा उसकी वैल्यू क्या आएगी, b से छोटी और 0 से बड़ी या इक्वल टू, तो 0 से लेके 5 तक के r हो जाएंगे 0, 1, 2, 3, 4, 5। भाई जो रिमाइंडर होता है वो डिवाइजर से छोटा होता है, ठीक है, 6 से छोटा, 0 के इक्वल भी हो सकता है, तो 0 से लेकर 5 तक के सारे नंबर इसके रिमाइंडर हो जाएंगे, राइट। अब हमने क्या करना है, अब हमारे पास ये रिजल्ट आ गया कि भाई r ये है और हमने लेट कर लिया a इज इक्वल टू 6q+r। तो इसके बाद ये जो r की वैल्यू है 0, 1, 2, 3, 4, 5, ये हम इसके अंदर a इज इक्वल टू 6q+r के अंदर पुट कर देंगे, तो इससे हमारी a की 6 वैल्यूज आ जाएंगी। जब r इज इक्वल टू 0 डालेंगे यहाँ पर तो a इज इक्वल टू आ जाएगा 6q, r इज इक्वल टू 1 लिखेंगे तो 6q+1, देन r इज इक्वल टू 2, 6q+2, r इज इक्वल टू 3, 6q+3, देन 6q+4 एंड 6q+5, राइट। अब हमने ये देखना है कि इनमें से कौन से नंबर ऑड है और कौन से नंबर इवन है। तो सबसे पहले a इज इक्वल टू 6q, जब हमारे पास 6q है तो देखो 6q जो है वो 2 से डिविजिबल है, अब जब वो 2 से डिविजिबल है तो नेचुरली वो इवन नंबर हो गया, राइट। तो हमारे पास एक रिजल्ट आ गया कि a इज इक्वल टू 6q इज इवन नंबर। अब हम दूसरे वाले नंबर को देखेंगे, मतलब a इज इक्वल टू अब हमारे पास क्या है, 6q+1। अब 6q+1 में देखो 6q तो 2 से डिविजिबल है बट 1 डिविजिबल नहीं है, तो भाई इस पूरे का सम क्या होगा, नॉट डिविजिबल हो जाएगा ना 2 से, सो ये पूरा का पूरा नंबर क्या हो जाएगा, ऑड नंबर हो जाएगा। तो हमारे पास एक रिजल्ट और आ गया कि भाई 6q इवन नंबर है और 6q+1 ऑड नंबर है। अब हम तीसरा नंबर लेंगे a इज इक्वल टू 6q+2, ठीक है। अब इसमें 6q भी 2 से डिविजिबल है और 2 भी 2 से डिविजिबल है, इसका मतलब पूरा का पूरा नंबर जो है वो 2 से डिविजिबल है। जब ये पूरा नंबर 2 से डिविजिबल है तो ये इवन नंबर हो गया, ठीक है। तो हमारे पास एक रिजल्ट और आ गया। अब हम फोर्थ वाला नंबर लेंगे 6q+3, इसे देखेंगे कि क्या ये पूरा का पूरा 2 से डिविजिबल है, नहीं, 6q 2 से डिविजिबल है बट 3 जो होता है वो 2 से डिविजिबल नहीं होता, सो ये पूरा का पूरा नंबर इवन नंबर नहीं होगा, ऑड नंबर होगा, राइट। तो हमारे पास एक रिजल्ट और आ गया। अब हम ये नंबर लेंगे a इज इक्वल टू 6q+4, राइट। अब इसमें देखो 6q जो है वो भी 2 से डिविजिबल है और 4 भी 2 से डिविजिबल है, इट मीन्स ये पूरा का पूरा नंबर 2 से डिविजिबल हो जाएगा, इट मीन्स ये पूरा का पूरा नंबर क्या हो गया, इवन नंबर हो गया। तो हमारे पास एक और रिजल्ट आ गया कि a इज इक्वल टू 6q+4 इज इवन नंबर। अब हमारे पास बचता है 6q+5, सो 6q+5 में 6q इज डिविजिबल बाय 2 बट 5 इज नॉट डिविजिबल बाय 2, सो इट इज एन ऑड नंबर, ये ऑड नंबर हो गया। तो हमारे पास तरीके से ये रिजल्ट आ गई। अब इन रिजल्ट के बेसिस पर हमारे पास जो हमने रिजल्ट निकाला कि 6q+2 एंड 6q+4 आर इवन नंबर एंड 6q+1, 6q+3 एंड 6q+5 आर ऑड नंबर्स। तो देखो यही हमें
प्रूव करना था. क्या लिखा हुआ? शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 6q+1 और 6q+3 और 6q+5 वेयर q इज सम इंटीजर. वही हमने प्रूव कर दिया. होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा. अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन ऑन कर लें सो दैट न्यू वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलती रहे, और जितना ज़्यादा हो सकता है अपने दोस्तों के साथ शेयर करें. ऑल द बेस्ट.